हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ राहुल सोलंकी और अभी मैं बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पर हूँ। वार्षिक सोहरा रोड से लगभग 1 किलोमीटर आगे का ये व्यू आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रिज का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। हम बाढ़ सोहरा रोड से लगभग 1 किलोमीटर आगे हुए हैं। तो यहाँ पे लगभग मिट्टी की भरावट भी हो चुकी है और गिट्टी की भी भरावट यहाँ पर हो चुकी है। आपको ऊपर चढ़ के दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि चढ़ने का रास्ता यहाँ पे नहीं है और कल बारिश हुई है, इस कारण से ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो और लगभग आपको बता दें कि बाढ़ सक्सोरा से अगर 3 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं तो आपका देखिए, अभी भी यहाँ पे मिट्टी की भरावट चल रही है यहाँ पे। और अभी और आपको बता दें कि बिहारी बीघा से औंटा तक ब्लैक टॉप का काम पूरा हो चुका है। बस बिहारी बीघा से बाढ़ सक्सोहरा रोड तक ही मिट्टी की भरावट और गिट्टी की भरावट चल रही है। ये बिहारी बीघा से पहले का व्यू आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लगभग बाढ़ सक्सोहरा रोड से 1 से 1.5 किलोमीटर आगे बढ़े हैं तो यहाँ पे देखिए गिट्टी की भरावट हो चुकी है। ये 2 लेन का ही गिट्टी की भरावट यहाँ पे हुई है और 2 लेन का रोड का मिट्टी की भरावट अभी यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से इस 4 लेन का निर्माण यहाँ पे चल रहा है। बिहार में मानसून भी दस्तक दे चुकी है तो अगर ये 4 लेन का निर्माण बाढ़ तक भी ब्लैक टॉप का काम मानसून से पहले हो जाती है तो आप इसका मज़ा ले पाएंगे। मोकामा से बाढ़ तक का मज़ा यहाँ पे ले पाएंगे। NTPC के सामने आपका ये रोड दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे ब्रिज का काम यहाँ पे हो चुका है और ये बिहारी बीघा के पहले का व्यू आपको दिखा रहे हैं। 2 लेन रोड का ब्रिज का काम हो चुका है और 2 लेन रोड का अभी मिट्टी की भरावट यहाँ पे चल रही है। लगभग 1 महीना के अंतराल में जिस स्पीड से यहाँ पे काम हो रही है तो 1 महीना के अंतराल में बाढ़ तक इस 4 लेन का निर्माण हो जाएगा जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं। जिस तरह से इस 4 लेन में यहाँ पे इस 4 लेन का निर्माण यहाँ पे जितनी तेज़ी गति से यहाँ पे चल रही है, जो ब्रिज बनाया गया है यहीं से आपका बिहारी बीघा गांव है जो चली जाती है।
यहाँ से सामने आपको एनटीपीसी दिखाई दे रहा होगा, और एनटीपीसी के सामने से ये व्यू आपको दिखा रहे हैं। तो बहुत ही शानदार इस फोर लाइन का निर्माण चल रहा है, और यहाँ पे ब्लैक टॉप का काम यहाँ पे हो चुका है। ये बिहारी बीघा से पहले का व्यू आपको हम दिखा रहे हैं। अभी बिहारी बीघा हम क्रॉस नहीं किए हैं, और उससे पहले का व्यू आपको हम दिखा रहे हैं। एनटीपीसी आपको दिखाई दे रहा होगा सामने में। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का फोर लाइन का निर्माण यहाँ पे चल रहा है। बहुत तेज़ी गति से इस फोर लाइन का निर्माण चल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि जुलाई महीने के लास्ट तक बार तक इस फोर लाइन में ब्लैक टॉप का काम पूरा हो जाएगा है। और ये बिहारी बीघा से पहले का व्यू आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे पिच का काम पूरा हो चुका है, लगभग जमीन तल से 12 से 15 फीट की ऊंचाई पर इस फोर लाइन का निर्माण हुआ है। बहुत ही शानदार नज़ारा है, और देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से इस फोर लाइन का निर्माण चल रहा है। ट्रकें हैं जो बहुत तेज़ी से काम कर रही है यहाँ पे। देखिए हाल फिलहाल में यहाँ पे ये बिहारी बीघा आपको गांव दिखाई दे रहा होगा। तो बिहारी बीघा के पास देखिए हाल फिलहाल में ही यहाँ पे पिच का काम हुआ है, लेकिन यहाँ पे टू लेन रोड का ही पिच का काम यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे भी अंडरपास ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिस कारण से यहाँ पे अभी अभी यहाँ पर पूरा काम नहीं हो पाया है। बिहारी बीघा के पास कहीं भी हो रही है, तो यहाँ पे अभी मिट्टी की भरावट चल रही है। अभी भी बिहारी बीघा के पास कुछ काम बाकी है। देखिए मानसून दस्तक दे दी है, और इस कारण से बहुत तेज़ी से इस फोर लाइन का निर्माण चल रहा है। देखिए ट्रकें जो बहुत रफ्तार से जो है यहाँ से मिट्टी लेके जा रही है। बिहारी बीघा के पास का व्यू आपको हम दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मिट्टी की भरावट अभी चल रही है। किसी ने बताया कि इस फोर लाइन में जो काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि बिहारी बीघा तक पीच का काम पूरा हो चुका है, पर बात ऐसा नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी बहुत काम बाकी है बिहारी बीघा के पास।
अभी भी बिहारी बिघा के पास पिच का काम नहीं पूरा हुआ है। हाँ, गिट्टी की भरावट यहाँ पे चल रही है और लगभग यहाँ पे मिट्टी की भरावट यहाँ पे हो चुकी है। गिट्टी भरने का जो प्रक्रिया है यहाँ पे चल रहा है और बहुत तेजी से इस फोर लाइन का निर्माण ये देखिए लगभग हम बिहारी बिघा से लगभग आधा किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं। तो देख सकते हैं बिहारी बिघा से लगभग आधा किलोमीटर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पिच का काम पूरा हो चुका है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक महीना पहले हम विजिट किए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक महीना पहले यहाँ पे पिच का काम नहीं हो रहा था, बिहारी नहीं हुआ था। ये बिहारी बिघा गांव से आधा किलोमीटर आगे का व्यू आपको हम दिखा रहे हैं। तो देखें कितना शानदार इस फोर लाइन का निर्माण यहाँ पे हो चुका है और दोनों तरफ देख सकते हैं किनारा जो है उस पर भी मिट्टी की भरावट हो चुकी है और जो प्लांटिंग का एरिया है वहाँ पर भी मिट्टी की भरावट यहाँ पे पूरी हो चुकी है। और जब इस फोर लाइन का पूरा बख्तियारपुर से मोकामा तक इस फोर लाइन का निर्माण पूरा हो जाएगा तो अभी फ़िलहाल बख्तियारपुर से अगर मोकामा जाना पड़ता है तो लंबी दूरी का यात्रा करना पड़ता है और बीच में बाढ़ में बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है। बाढ़ में घंटों जाम लगा रहता है। उस जाम से उस समस्या से निजात मिलेगी। अगर दूरी की बात करें तो बख्तियारपुर से मोकामा की दूरी मात्र 45 किलोमीटर रह जाएगी और देख सकते कितना शानदार इस फोर लाइन का निर्माण पूरा हो चुका है। आशा करते हैं कि बिहारी बिघा से दो महीना के अंतराल में ही बिहारी बिघा से बाढ़ तक का ब्लैक टॉप का काम पूरा हो जाएगा। देख सकते हैं कि जो भी ट्रकें हैं जो गंगा जी का रेत ला रही है वो देखिए इसी रास्ते सैकड़ों ट्रक आपको दिखाई दे रहा होगा और आगे भी जा रही है।